हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नाइन्थ पार्ट एंड टेंथ पार्ट। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा नाइन्थ पार्ट को। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है ऑफ नाइन्थ पार्ट एंड टेंथ पार्ट की। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपने देखा है 82 की पावर 1/4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आपको पांच स्टेप पता होना चाहिए। यहाँ पर तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होती है, आइडेंटिफाई द फंक्शन। ओके, तो आपने देखा जो फंक्शन है वो एक्स की पावर 1/4 है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करना फंक्शन को, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। तो आपने सबसे पहले आप फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, आइडेंटिफाई कर लिया, देन आपको एक्स एंड डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना होती है। तो आप देखिए x की वैल्यू यहां पर क्या होगी। आपने देखा यहां पर 82 की पावर 1/4 है, मतलब 82 के पास में कोई सा ऐसा नंबर होना चाहिए जिसकी पावर क्या हो जाए, 4, मतलब वो होता है 81। 81 क्यों होता है, क्योंकि 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो यहां पर जो x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, यहां पर 81 रहेगी। देन डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर आप देखिए 81 प्लस 1 तो 82, तो इसका मतलब डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1। तो एक्स एंड डेल एक्स की वैल्यू आपने इस तरीके से यहां पर फाइंड आउट कर ली है। ओके, अब देखिए अगर थर्ड स्टेप में यहां पर पढ़ते हैं, थर्ड स्टेप में आप देखिए डेल वाई इज इक्वल टू जो होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब 81 प्लस 1 कितना होता है, 82। इसका मतलब जो क्वेश्चन है 82 की पावर 1/4 सेम एज इट इज लिखा गया। देन एफ ऑफ एक्स, एक्स जो है वो कितना है आपका 81, एफ ऑफ 81। इस तरीके से आप देखें डेल वाई इज इक्वल टू 82 की पावर 1/4 माइनस एफ ऑफ 81। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है एक्स की पावर 1/4 है, मतलब ये हो जाएगा 81 की पावर 1/4। इस तरीके से आप देखेंगे तो डेल वाई इज इक्वल टू 82 की पावर 1/4 माइनस 3 की पावर 4 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3। तो इस तरीके से आपको देखना है, इसकी वैल्यू यदि फाइंड आउट करना है 82 की पावर 1/4 की, तो आप देखिए डेल वाई माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। तो इस तरीके से आपको यहां पर फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो दिस इज अवर थर्ड स्टेप एंड वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब देखिए थर्ड स्टेप कंप्लीट हुई, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट फोर्थ स्टेप की ओर। तो आपको पता होना चाहिए ये फोर्थ स्टेप क्या होती है। आपको पता है कि यहाँ पे यदि डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो आप यहाँ पे जैसी पुट करोगे तो आपकी इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, डेल वाई की फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, डीवाई अपॉन डीएक्स इंटू करना होता है डेल एक्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए डेल वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन आपको करना है किसका, वाई का। तो आपका जो वाई है वो क्या है, x की पावर 1/4। डिफरेंशिएशन करना है आपको x की पावर 1/4 इंटू डेल एक्स, डेल एक्स जो है वो क्या है आपका 1। तो इस तरीके से देखेंगे आप डेल वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/4, तो 1/4 आगे आ जाएगा, देन x 1/4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3/4। तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं 3/4, क्योंकि नेगेटिव का जब अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव इंटू 1। तो आप देखिएगा यहां पर डेल वाई इज इक्वल टू 1 1 जा 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई एक्स जो है वो क्या है आपका 81 है। तो 81 मतलब 3 की पावर 4 होता है, तो 4 से 4 कट गया मतलब 3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27। तो इस तरीके से आप देखें तो 1 अपॉन में 27 4 जा 108। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो डेल वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आपकी यहां पर 1 अपॉन में 108 आएगी। ओके, तो इस तरीके से यहां पर आपने डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए, अब यहां पर आप देखिएगा, इससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 0.009। ओके, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ओके, अब फिर यहां पर मेरे को यदि डेल वाई की वैल्यू को यहां पर पुट कर दे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पुट डेल वाई वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखिए यहां पर ये हो जाएगा 82 की पावर 1/4 इज इक्वल टू डेल वाई की जो वैल्यू है वो है 0.009 प्लस 3। तो इसका मतलब 3.009 आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, सो हियर आवर नाइन्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 10th। अब पार्ट नंबर 10th देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आपको यहां पर लिखा हुआ 401 की पावर 1/2, इसकी भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पर आप देखिएगा
सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपने देखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1.2, तो ये आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, x एंड डेल x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x क्या होता है, जैसे 401, तो ये किसकी पावर 2, यानी 401 के पावर पास में कौन सा नंबर है जिसकी पावर 2 होती है। तो आपको पता होना चाहिए 400, क्योंकि 20 का होल स्क्वायर ही होता है 400, मतलब 400 इज अ परफेक्ट नंबर। तो x जो रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा 400, और डेल x जो होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, क्योंकि 400 में 1 प्लस करेंगे जब भी तो 401 आएगा। तो इसका मतलब x इज अ 400 एंड डेल x इज अ 1। तो इस तरीके से आपने x एंड डेल x भी फाइंड आउट कर लिया है। ओके, फिर आप देखिएगा आपकी जो थर्ड स्टेप क्या होती है, डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, ये आपकी थर्ड स्टेप होती है। तो आप यहां पर देखिएगा डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x, इन दोनों का प्लस, मतलब 400 प्लस 1 401 आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो 401 की पावर 1/2 माइनस f ऑफ x, x जो है वो क्या है आपका 400, इस तरीके से आपने लिख दिया। तो डेल y इज इक्वल टू 401 की पावर 1/2 माइनस f ऑफ 400, 400 आपका x है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है x की पावर 1/2, मतलब 400 की पावर 1/2। तो इस तरीके से आप देखें डेल y इज इक्वल टू 401 की पावर 1/2 माइनस 20 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। तो इस तरीके से आप देखें आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है 401 की पावर 1/2 की, तो ये हो जाएगा डेल y प्लस 20। इसे आप बोल दीजिए दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां पर आपने देखा यदि आपको डेल y की वैल्यू पता पड़ जाती है तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आपको यहां पर डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, डेल y इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dx इंटू क्या होता है डेल x। ओके, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है y का, तो y जो है वो क्या है आपका x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 मतलब है क्या एक्चुअली में, ये रूट x ही है। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपको डिफ्रेंशिएट करना है वो किसका करना है, रूट x का, और डेल x जो है वो क्या है आपका 1। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 1/2 रूट x, ये रूट x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इंटू 1। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्या है यहाँ पर 400, तो 400 जब पुट करेंगे तो मतलब भी 20, तो 22 जा 40। तो इस तरीके से आप देखें तो 1/40 इज द वैल्यू ऑफ डेल y। ओके, तो 1/40 आ गई। अब 1/40 को जब डिवाइड करेंगे आप तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.025, इस तरीके से आपकी 0.025 वैल्यू आएगी। ओके, 0.0 नहीं बोल सकते आप, 0.0025 बोल दीजिए। ओके, तो ये आपकी भले आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब आपकी ये वैल्यू आ चुकी है, अब इस डेल वाई को यहां पर पुट कर दीजिए। तो पुट यहां पर लिख दीजिए, पुट डेल वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखिए 401 की पावर 1/2 इज इक्वल टू डेल y जो है वो है 0.0025 में प्लस करना होगा आपको इस 20 को, तो मतलब जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका फाइनली 20.0025। ओके, कितना आ जाएगा 20 पॉइंट, देखिए यहां पर ये जो आएगा इसे आप प्लस कर लीजिएगा मन से ही, तो आप देखिएगा यहां पर जो आपका जो फाइनली आप बोल सकते हैं वो आ जाएगा 20.025। ओके, क्या आएगा यहाँ पर 20.025। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर 1/40 जो कर रहा था 0.025 है, तो यहाँ पे 0.025 को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 20.025। ओके, सो हियर अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 9th एंड 10th पार्ट इज कंप्लीटेड। थैंक यू।